हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर साजा। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं वह गुदल कैप्सूल। गुदल कैप्सूल को आपको कैसे लेना है और गुदल कैप्सूल का क्या क्या फायदा है, यानी क्या क्या बेनिफिट है, मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद इसका नुकसान क्या क्या है, थोड़ा बहुत किसी किसी को नुकसान भी कर देता है गुदल कैप्सूल, वो कैसे करता है, क्यों करता है, वो आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद गुदल कैप्सूल कैसे लेना है, क्या डोजेस है। बहुत सारा आदमी एक साल से ले रहा है, चार महीने से ले रहा है, लेकिन उसका बॉडी में कोई इंक्रीज नहीं होता है, बॉडी में कोई फायदा नहीं होता है, यानी बॉडी में कोई डेवलप नहीं होता है, क्या कारण की वजह से। तो गुदल कैप्सूल अगर आपका सही तरीका से नहीं लेना जानते हैं आप, तो गुदल कैप्सूल आपको नुकसान करना ही करना है ऑटोमेटिकली। तो आप बने रहिए पूरा वीडियो में, बिना स्क्रिप्ट किए पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए। बात करता हूँ गुदल कैप्सूल के बारे में। गुदल कैप्सूल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो डॉक्टर विश्वास के द्वारा बनाया जाता है। इसका अगर बात करें तो 50 कैप्सूल का एक डब्बी आता है जो डॉक्टर विश्वास के नाम से इंडिकेट किया हुआ रहता है। आपको डॉक्टर विश्वास का ही गुदल कैप्सूल लेना है, किसी और का नहीं लेना है। बात करते हैं गुदल कैप्सूल का बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट गुदल कैप्सूल का, डाइजेशन डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करता है, यानी पेट का रिलेटिव प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है गुदल कैप्सूल। उसके बाद वह लीवर को मजबूत करने का काम करता है, यानी लीवर में अगर कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, इंटरनल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर लीवर में कोई भी किसी भी तरह का सूजन हो यानी इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको ठीक करने का यानी इसको खत्म करने का काम करता है आपका गुदल कैप्सूल। उसके बाद वह आपको अगर सही तरीके से भूख नहीं लगता है, भूख बढ़ाने का काम करता है, यानी भूख का डोज को बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारा आदमी को भूख नहीं लगता है लीवर के कारण की वजह से, लीवर आपका अगर सही से काम नहीं करता है, यानी लीवर का अगर आप जो भी कुछ खाते हैं लीवर में सही से पाचन क्रिया नहीं हो पाता है, उसके वजह से आपका शरीर में जो भी कुछ खाते हैं वो शरीर में नहीं लगता है, इसके वजह से आप बहुत सारा आदमी दुबला पतला हो जाता है, बॉडी में कोई इंक्रीज नजर नहीं आता, यानी बॉडी आपका कोई डेवलप नहीं कर पाता है। उसके बाद वह कमजोरी को दूर करने का काम करता है, यानी आपका शरीर में वीकनेस को खत्म करने का काम करता है, आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका बॉडी में कोई इंक्रीज हो, बॉडी डेवलप हो और बॉडी में कोई फायदा नजर आए। शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद वो आपका पेट में किसी भी तरह का गैस बन जाए, बहुत सारा आदमी थोड़ा बहुत खाता है उसके बाद उसको लगता है क्या होता है कि पूरा पेट भर के खा रहे हैं, तो ये क्या होता है आपका पेट में एसिडिटी बन जाता है, यानी आपका पेट में गैस बन जाता है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने यानी पेट में अगर किसी भी तरह का गैस बन जाए या फिर एसिड बन जाए तो उसको ठीक करने का काम करता है, यानी उसको खत्म करने का काम करता है गुदल कैप्सूल। एंजाइटी और डिप्रेशन को खत्म करने का काम करता है। बहुत सारे आदमी टेंशन में यानी डिप्रेशन में घुस जाता है तो उसको सही ठीक तरह से नींद नहीं आता है, तो इस एंजाइटी को डिप्रेशन को खत्म करने का काम करता है गुदल कैप्सूल, जिससे आप सही तरीके से यानी ठीक तरीके से सही नींद ले और बॉडी में कोई इंक्रीज हो। कहा जाता है कि बॉडी अगर इंक्रीज करना है तो सबसे मेन चीज होता है आपको नींद। अगर आप 7 से 8 घंटा आप सही से नींद नहीं लेते हैं तो आपको बॉडी में कोई डेवलपमेंट यानी आपको बॉडी में कोई इंक्रीज नहीं हो सकता है, आपको बॉडी ज्यादा से ज्यादा पतला या दुबला होते जाएगा आप टेंशन में रहेंगे। तो डिप्रेशन और एंजाइटी यानी टेंशन को ठीक करने का, आपका सेरिब्रम जो होता है सर में जो होता है दिमागी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है गुदल कैप्सूल। उसके बाद वह बॉडी को डेवलपमेंट करने का काम करता है, यानी कि मस्कुलर को बढ़ाने का काम करता है और वेट को बढ़ाने का काम करता है गुदल कैप्सूल। बात करता हूँ गुदल कैप्सूल का साइड इफेक्ट के बारे में, गुदल कैप्सूल का क्या क्या साइड इफेक्ट नजर आता है। बहुत सारे आदमी को गुदल कैप्सूल खाने के बाद बॉडी में कोई किसी भी तरह का एलर्जी हो जाता है, यानी खुजली हो जाता है, जलन हो जाता है बॉडी में, तो किसी किसी का अगर बॉडी सेंसिटिव होता है तो उसको गुदल कैप्सूल साइड इफेक्ट करता है बहुत सारे आदमी को। तो सबसे पहले बात बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गुदल कैप्सूल खाने के बाद एलर्जी हो जाए यानी खुजली हो जाए तो वो गुदल कैप्सूल बिल्कुल बंद कर दे, गुदल कैप्सूल लेना बंद कर दे। उसका दूसरा साइड इफेक्ट हुआ, गुदल कैप्सूल खाते हैं, जब तक खाते हैं तो आपका बॉडी ठीक है, आपका वेट ठीक है, आपका शरीर ठीक है, उसको जैसे ही छोड़ते हैं तो उसके बाद वो उससे भी ज्यादा पतला हो जाता है, यानी उससे भी ज्यादा उसका वेट कम हो जाता है, बॉडी में मस्कुलर को कम कर देता है यानी सुखा देता है आदमी, उससे भी ज्यादा दुबला पतला कर देता है। कारण क्या है, गुदल कैप्सूल को आप अगर खाते हैं तो उसको सही तरीके से खाना है, कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, कौन ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते हैं, वो आपको मैं आगे डिस्कशन करके बताऊंगा कि कौन कौन ले सकते हैं कौन कौन नहीं ले सकते, कैसे लेना है और इसको छोड़ना कैसे। अब एक्चुअली क्या होता है, गुदल कैप्सूल अगर सही तरीके से नहीं लेते हैं यानी गुदल कैप्सूल आप अगर एक बार में आप छोड़ देते हैं तो आपका बॉडी का जो वेट है और क्या बोल रहा है बॉडी का जो रिलेशन है वो टूट जाता है, तो इसकी वजह से आप सूख जाते हैं, उससे भी ज्यादा दुबला पतला हो जाते हैं। बात करते हैं इसका डोजेस के बारे में, कैसे लेना है गुदल कैप्सूल। अगर पहला महीना फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो पहला महीना लेना है एक गोली सुबह एक गोली शाम, एक गोली सुबह एक गोली शाम पहला महीना ऐसे लेना है। उसके बाद सेकेंड महीना यानी दूसरा महीना लेना है आपको एक गोली एक टाइम खाने की बाद ही लीजिए, ये आप हमेशा रखिए ध्यान में रखिएगा,
कि गुडेल कैप्सूल जो लेना है 18 साल से नीचे व्यक्ति को नहीं लेना है, 18 साल से ऊपर ही व्यक्ति को लेना है। तो क्या बोले, पहला महीना लेना है सुबह और शाम, दूसरा महीना लेना है एक टाइम यानी कि दिन में कोई भी एक टाइम खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए हमेशा। उसके बाद हुआ तीसरा महीना लेना है आपको हफ्ते में 3 दिन यानी दो दिन बाद आफ्टर टू डेज आफ्टर टू डेज, दो दिन छोड़ के हफ्ते में 3 दिन लेना है। इस तरीके से 3 महीना आपको गुडेल कैप्सूल लेना है। बहुत सारा आदमी 4 महीना लेता है 5 महीना, नहीं ऐसा नहीं लेना है, आपको 3 महीना लेना है। इस तरीके से अगर आप ले तो 100% दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि गुडेल कैप्सूल आपको फायदा भी बहुत ज्यादा करेगा और कोई नुकसान भी नहीं करेगा।